हाँ सर, अपना नाम तो डेकोरेशन का कर। मेरा नाम डॉक्टर रोमित है, मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ ऊपर न्यूरो सेंटर से। जी सर, ठीक है, तो डॉक्टर डे है पर वक्त तरीके मनाया जाए जैसे कोरोना फ्रंट पर काम करे से अज उन्होंने फॉलो पीड़ी ठीक है। कुछ जैसे सर ने ऑलरेडी दसिया बहुत ही मिक्स फीलिंग्स होंदिया ने इस गल दियाँ, स्पैशली इन सच ए सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक जिथे कि डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना चाहिए है। हालांकि कुछ स्टैप्स लाए गए हैं सरकार वालों, पर कुछ स्टैप्स थोड़े जे इन्ने अच्छे नहीं गए। स्पैशली रीसेंट जी न्यूज़ आई है कि एन पी ए कट्टा जा रहा 25% डॉक्टर्स का, ओबियसली डॉक्टर्स वोंट फील दैट गुड। एक तो आपकी जान खतरे च पा के सेवा कर रहे हैं लोगों की, उस कंडीशन इस तरह मनोबल डाउन करना डॉक्टर्स का, इट डजेंट सेंड अ गुड मैसेज टू द डॉक्टर कम्यूनिटी। अटैक्स हो रहे हैं डॉक्टर से, वायलेंस इन डॉक्टर्स हॉट इशू राइट नाउ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं लगता है कि सरकार को होर कंसनट्रेटिड स्टैप्स लेने चाहिए है ये खिलाफ। ये लगता कि कोरोना काल के बीच डॉक्टर ने अपना परिवार छड़ के जो कोरोना के मरीज उन्होंने अपना परिवार समझ के उन्होंने सेवा की है, लगता है सरकार को कोई ना कोई अपनी प्रणाली सही करनी चाहिए कि डॉक्टर ने कुछ ना कुछ जो फंड वगैरह उन्होंने बंदे दिए। बिल्कुल ये तो है ही है, तो ये सिर्फ हम रियलाइजेशन हुई है कोरोना टाइम के डॉक्टर्स परिवार छड़ के काम कर रहे हैं, शुरू तो ही करते आ रहे हैं डॉक्टर्स। ये तो बिकॉज इट इज़ सच ए बिग पेंडेमिक, इस करके हम ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है लोगों से। तो ओबियसली कि इस टाइम के गवर्नमेंट के जोड़े भी स्टैप्स है देट आर नॉट वेरी कंक्रीट स्टैप्स आई वुड से, इन्हों होर ज़्यादा सोचना चाहिए हैगा कि किस तरह डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा सकते हैं, फाइनैशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मोरली सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ तालियां बजाने तो भांडे खड़का डॉक्टर्स का मनोबल नहीं होएगा। वैन यू आर कटिंग डाउन देयर सैलरीज, वैन यू आर मेकिंग दम वर्क इन इनह्यूमेन कंडीशन, डॉक्टर्स 24 हड़ताली घंटे परिवारों तो अड्ड रह के आपका काम कर रहे हैं। आई थिंक दे डिजर्व मोर एप्रीसीएशन। हाँ जी, मैं डॉक्टर सलील उप्पल, सीनियर कंसल्टेंट उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल। जी सर, क्या कहना चाहते हो, डॉक्टर डे है पर हर तरीके से उनको जो कोरोना में फ्रंट पे काम कर रहे थे उनको फुल वेट किया गया, सरकार की प्रणाली को कैसे देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज से पहले जो डॉक्टर डे होता था, डॉक्टर डे में सेलिब्रेशन होती थी डॉक्टर्स डे का, कि हाँ एक बड़ा महत्व डे है कि डॉक्टर्स अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। बट इस बार का जो डॉक्टर्स डे है वो डिफरेंट है। हमने सोचा कि इस बार का डॉक्टर्स डे टोटली डिफरेंट होना चाहिए। इस बार का डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन की जगह वो श्रद्धांजलियाँ होनी चाहिए, वो श्रद्धांजलि होनी चाहिए, होमेज पे करनी चाहिए उन फ्रंटलाइन डॉक्टर वॉरियर्स को जिन्होंने बिना सोचे समझे अपने परिवार के बारे में या अपनी ज़िंदगी अपनी जान के बिना सोचे हुए अपनी वो जान गंवाई है कोरोना वाले पेशेंट्स की सेवा करते हुए। लगता कि सरकारों को इनके परिवारों के लिए सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ फंड वगैरह इनको देने चाहिए जो फ्रंट पे काम कर रहे थे। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल होना चाहिए कि मतलब जो जितने भी कोरोना के डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके लिए जो वो फंड्स के लिए बोला गया था वो अनाउंसमेंट जरूर की गई है। बट इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उसको मतलब मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल और अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कि हमें वो चीज़ जो उनके फंड्स हैं उनको रिलीज़ करके उनकी फैमिलीज़ को एटलीस्ट एक उनको एक एहसास दिलाना चाहिए कि हाँ उनके पति ने या बेटे ने या भाई ने या बेटी ने या माँ ने अपनी जान एक रिस्पेक्टफुली गवाई थी पेशेंट्स की सेवाएं देते हुए। जी मैम, अपना नाम तो डेक्लेशन पर। मैं डॉक्टर अतीबी, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट एट ओपन न्यूरो हॉस्पिटल। मैम क्या कहना चाहते हो, डॉक्टर डे है तो जो कोरोना के फ्रंट काम कर रहे थे आप भी कोरोना में फ्रंट काम किया कि जैसे कि कोरोना का कोई मरीज होता जो वो रूम में काम कर रहे थे, क्या कहना चाहते हो? पहली बार तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा ये मैसेज है सबको कि मास्क पहन के बाहर जाइए, सबको वैक्सीन लेनी है, एवरी वन शुड गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज वही ये दो चीज़ें हैं जो कोरोना से बचा सकती हैं। सेकेंडली, जब कोरोना आया तो बहुत हालत बुरी हुई, इंडिया पूरे देश में हालत बुरी हुई, जिसके लिए हमने सब फ्रंटलाइन पे आके काम किया। मैं एज एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन थिएटर में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, कोविड से लड़ना मुश्किल हो गया था, तो हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चालू करे, फेस शील्ड, मास्क, एनेस्थीसिया मशीन, पीपीई किट पहनना, सब बहुत डिफ़िकल्ट था। 48 घंटे उस पीपी किट में रहना बहुत मुश्किल था, अपने परिवारों से दूर रहे, फैमिली को छोड़ के, बस ये समझा कि पेशेंट्स ही हमारी लाइफ है, इन्हें बचाना ही हमारा काम है। तो यही रिक्वेस्ट है सबको, सरकार को प्रणाली को कैसे देख रहे हो, क्योंकि सरकार ही तो कुछ डॉक्टरों के लिए सोचनी, आज भी हड़ताल पे बैठे हैं। हाँ जी, क्योंकि उनको जो कोई मरीज होता है या कोरोना हो तो फ्रंट पे डॉक्टर ही काम आ रहे हैं। सरकार को कुछ सोचना चाहिए, सरकार को बिल्कुल कुछ सोचना चाहिए, उन्होंने पहले भी सोचा है जैसा पहले भी कहा गया, बट
उनको और अच्छे से सोचना चाहिए। जो एप्रिसिएशन है इंडिया में वो नहीं मिल पा रही है डॉक्टर्स को, इनफैक्ट उनकी सैलरी ही घट रही है, कम कर रहे हैं। एनपीए का जो नया रूल आया है उसको मैं नहीं समझती कि सही है, वो चीज़ दोबारा सोचने की सरकार को ज़रूरत है।